आईवी इंडिया न्यूज़ के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अरविंद कुमार सिंह। अखिल भारतीय वर्ष गोंड महासभा के तहसील अध्यक्ष श्री भगवान उर्फ बंधु गोड़ के नेतृत्व में गोड़ व खरवार समाज के छात्र छात्राओं को अनुसूचित जनजात का प्रमाण पत्र पुनः जारी करने की मांग को लेकर मंगलवार को तहसील रसला के प्रांगण में अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन की शुरुआत कर दी गई। इसके पूर्व भारी संख्या में गोड़ व खरवार समाज के लोग श्रीनाथ बाबा मठ से इकट्ठा होकर जुलूस के साथ नगर भ्रमण करते हुए तहसील मुख्यालय पहुंचकर धरना पर बैठ गए। इस मौके पर नारेबाजी करते हुए उन्होंने पूर्व में जारी जात प्रमाण पत्र को पुनः तहसील से जारी किए जाने की मांग की। वही संबंध में SDM रसला को पत्रक भी सौंपा। इस दौरान सपा बसपा के नेताओं ने भी अपना समर्थन देकर उनके आंदोलन को और धारदार बना दिया। इस मौके पर ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि रामेश्वर पांडे, पूर्व ब्लॉक प्रमुख व जिला पंचायत सदस्य संजय यादव, सपा के 20 महासचिव पुरुषोत्तम यादव, ललन यादव, रामविलास यादव सहित तमाम लोग मौजूद थे। बीरबल राम आदि ने अपने संबोधन में कहा कि पूर्व में गोड़ व खरवार समाज को बलिया जनपद में अनुसूचित जनजात का प्रमाण पत्र जारी किया गया है, किंतु वर्तमान में इन जातियों के साथ सौतेला व्यवहार करने की गरज से इस जात के लोगों को प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जा रहा है, जिसकी वजह से जानबूझकर इन गरीब जातियों के बच्चों का भविष्य अंधकारमय किया जा रहा है। उन्होंने आंदोलन में अपना पूरा योगदान देने का आह्वान करते हुए कहा कि वे इस लड़ाई में परिणाम मिलने तक इनके संघर्ष में साथ रहेंगे। मेरा नाम श्री भगवान बंधु गोड़ है, मैं तहसील का अध्यक्ष हूँ। ये आज जो आप हजारों की संख्या में आज जो आप धरना देने दे रहे हैं, किस कारण दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं? इस जो शासन प्रशासन खिलवाड़ हमारे जात से खिलवाड़ कर रहा है, जो हमारे समाज को कह रहा है कि ये जात के गुण नहीं है, ये यहाँ नहीं निवास करते हैं, मैं इसी के खिलाफ मैं शासन से माननीय तहसीलदार महोदय जी से ये पूछना चाहता हूँ कि मैं किस जात का हूँ, मैं किस धर्म का हूँ, जब तक आप लोग बतलाएंगे नहीं तब तक मैं धरने पर बैठे रहूँगा। मतलब धरने पर आप लोग मतलब क्या उनसे जानना चाहते हैं आप लोग? मैं